हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शारदास किचन। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू और चिकन की सब्जी, जिसका प्रोटीन पराठे के साथ डिनर में परोस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी गर्म कर लेंगे, हाफ टी स्पून नमक, 100 ग्राम सोयाबीन्स। सोयाबीन्स को हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इनको छानकर इनमें जो भी एक्सेस पानी है उनको निचोड़ लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म कर लिए है, 1 टेबल स्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को हाई फ्लेम पर ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और उठा लेंगे। आधा किलो चिकन, जिनको 1 टीस्पून नमक और हल्दी पाउडर के साथ कोट कर लिए है, इनको मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़े कर लिए हैं सोयाबीन्स की तरह। हाई फ्लेम पर कलर चेंज हो जाने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तब तक एक पेस्ट बना लेंगे। 3 प्याज, 1 टमाटर, 8 से 10 लहसुन, 1 इंच बराबर अदरक, एक साथ इन सब का एक पेस्ट बना लेंगे। चिकन में ऐड करेंगे बॉईल की हुई सोयाबीन्स, ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर आधा मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही पानी। मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए तेल छोड़ जाने तक पका लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर। फ्राई की हुई आलू ऐड करेंगे। अब इनमें जैसे ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से ही पानी ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट। सोयाबीन्स ने जो भी तेल सोख कर लिए थे पानी देने के बाद वो सभी रिलीज हो चुके हैं। इसकी ग्रेवी मैं यही रख रही हूँ। आप चाहे तो और भी ज़्यादा पत्ती या फिर थिक ग्रेवी भी बना सकते हैं। फिर में थोड़ा सा ही गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता और बहुत ही इजी और क्विक चिकन आलू सोयाबीन्स की सब्जी बन चुकी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। रोटियां पराठे के साथ परोसे बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।